हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं मैथ्स में अवनी सर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक यूनिक क्वेश्चन है। आपने ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा होगा, तो सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3759 × 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। तो वो कह रहा है कि आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो इकाई और दहाई का अंक आएगा उसका आपको एडिशन करके बताना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि मेरा मकसद जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। तो देखते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ऐसा नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि आप इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे और तब निकालोगे भाई इकाई और दहाई, ठीक है। जैसे आपने अभी तक देखा था कि अगर इकाई का अंक निकालना होता है तो दोनों संख्याओं के इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर लो और वहां से इकाई का अंक आ जाता है। तो इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर आएगा उस, तो ये तो आपको पता चल गया 3 × 9 = 27 हो गए, 3 × 9 = 27 होंगे और यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, ठीक है। लेकिन टेंथ प्लेस पे क्या आएगा उसको हमें कैसे करना है। देखिए टेंथ प्लेस पे कैसे आएगा, तो हमने 3 × 27 का 7 करा था तो 2 हासिल यहाँ लगेंगे, ठीक है। और इस बार हमें करना क्या है, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, ठीक है। तो 17 तो यहाँ आएगा और 17 का जो हम यूनिट प्लेस है वही लेंगे 7। लेकिन अभी क्या होगा, जब दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से और मल्टीप्लाई करें, 7 × 63 आएगा और 63 पे 63 में 3 आएगा और ये हो जाएगा 10, यानी इसका यूनिट प्लेस हो गया 0, ठीक है। टेंथ प्लेस पर आएगा 0, यूनिट प्लेस पर आएगा 7 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपको पता है, 7 + 0 यानी 7, ये इसका आंसर होगा। अब आप ये देख रहे हो कि ये ऐसे किया कैसे मैंने, तो ये सिंपल ये है कि आप लास्ट के इकाई और दहाई के अंक उठा लो अगर आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है, और यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। पूरी नहीं करनी है इसमें भी, 3 × 27 = 7 हासिल लगे 2 × 3 = 15 और 2 = 17, ठीक है। और यहाँ एक क्रॉस का आएगा 7 × 63, बस इतना करना है। आप 63 का भी आपको ये 6 वगैरह ये सब नहीं लिखना है, आपको यहाँ से 7 आ जाएगा और 7 × 3 = 10 = 0 = 07 खत्म, ठीक है। लेकिन इसको मैंने डायरेक्टली कर लिया बिना इस तरह के लिखे हुए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने प्रैक्टिस की है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले आपको इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर एक सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 3 × 27 = 7 हासिल लगे 2 × 3 = 15 = 2 = 17 और 17 में भी 7 जो है इसका यूनिट प्लेस टेंथ यूनिट प्लेस पर आएगा और फिर 7 × 63, क्योंकि यूनिट प्लेस तो ये बनता है और टेंथ प्लेस ये बनता है। तो आप समझ गए होंगे इसका पूरा मैकेनिज्म। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो और पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो। देखिए एक बार और करते हैं यूनिट प्लेस पे और टेंथ प्लेस पे, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं 2 × 3 = 6, ठीक है। यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ही मतलब हमें 2 × 3 = 6, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। अब क्योंकि कैरी तो नहीं आया 2 × 3 = 6, अब दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 8 = 16, 16 में 6 आएगा, ठीक है। 2 × 8 = 16 = 6 और अब हमें क्या करना है, 9 × 3 = 27 कर देना है। एक बार यहाँ से 7 आ जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 7 × 6 = 13, इससे भी हमें मतलब नहीं है, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, योग अगर इनका निकालना है 9। करके देख लीजिए एक बार पूरा मैकेनिज्म, 83 92, 2 × 3 = 6 2 × 8 = 16, ठीक है। 9 × 3 = 27 हासिल लगे 2, ठीक है। अब इससे आगे ज़्यादा जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो ये मिल गया, ठीक है। ये 6 आया, 7 × 6 = 13 हासिल लगा 1, ठीक है। हमें इससे मतलब है 3 और 6 कितना हो गया 9। तो ये प्रैक्टिस करने जाए, एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाए हैं ये जो है, देखिए ये सीटेट में आया 2012 में, ये 2014 में आया था स्टेट में, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और देखते हैं, अब आपको डायरेक्ट करना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ प्लस करके और आंसर बता देंगे कितना आएगा। यहाँ आ जाएगा 800, यहाँ तो यूनिट प्लेस पे आ गया 0। अब 8 × 48 का 8 आएगा, ठीक है। और इस वाले 0 से जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो नहीं 0 और ये आ जाएगा 8, यानी टोटल आंसर आ गया आपका 8, ठीक है। आप वैसे भी करके देख लेते, 800 × 8 = 48 है तो वही, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि फास्ट कैसे करना है, वही आएगा 8+, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे क्वेश्चन अब आप कर पाओगे, क्योंकि अगर सी टेट में आया हुआ है तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और साथ साथ SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप दोस्तों को अपने शेयर करोगे, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी ऑल के ऑप्शन के बाद दबाना, ऑल का ऑप्शन यूज़ करके दबाना, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।